ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। आए हाय आए हाय, जिंदा है जिंदा है जिंदा है, चलती फिरती में ये से हैं, ये तो होगा। कादिया आजम की दादी अपनी पड़ोसन के पास गई और जाके बोली के मेरे 12 बेटे मर गए। पड़ोसन ने कहा तुम बेटा मांगो जुलजलाल से। जुलजलाल से अब किस्मत का फेर देखिए कैसी किस्मत घूम के आई। कादिया आजम की दादी ने जुलजलाल से बेटा मांगा, पैदा हो गया। मौलवी तुम जिना देखिए जिना तो एक है ना, अब जिना एक है तो कादिया आजम मोहम्मद अली जिना भी एक ही है। अब देखिए कादिया आजम की दादी का जब 13वां बेटा पैदा हुआ वो कादिया आजम के वालिद थे, उनका नाम था जुलजिना। अब जुलजिना से जब एक उनका बेटा पैदा हुआ उधर से भी नाम रखा मोहम्मद अली। अब जुलजिना नाम नहीं रख सकते थे, उन्होंने रख दिया जिना, कादिया आजम मोहम्मद अली जिना। अब वापस आते हैं, अगर ना कादिया आजम की बेटी के हाँ 12 बेटों की पैदाई होती पाकिस्तान को बनाने वाला जुलजिना था। जुलजिना पाकिस्तान बनाया, आज के दौर में कोई मानता ही नहीं। बंद कर अभी मैं चाइना के करीबी ममालिक में कैमरे चिपक गए। चाइना के करीबी ममालिक नेपाल भूटान, अभी मैं नेपाल में पहुंच चुका था। वहाँ क्या होता है अशूर के दिन यहाँ भी लोग मातम करते हैं। वहाँ पे नौजवान दिन को निकलते हैं जंगल की तरफ मातम करते हैं और मर जाते हैं। देखिए ना आप कितना अकीदा है उनका, मातम करके मार के तो और ज्यादा। अब मातम करते हैं मार जाते हैं और शाम को दोबारा जिंदा होके वापस आ जाते हैं। नेपाल में ये पिछले 100 साल से हो रहा है, ऐसी बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा, ये तो आप किसी किताब में नहीं लिखा। आप लोग कहेंगे कहाँ से ये मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, आप लोग मुझे लफ्ज बताते जाएं मैं कहानियाँ सुनाता जाऊँगा। हाय हाय वाह वाह, लफ्ज बताएं आप, कहानियाँ तो मैं खुद बताता जाऊँगा।